क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर डीएक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा इसको देखिए किस तरह से सॉल्व आप करेंगे। यहां पर इंटीग्रेशन है वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर और डीएक्स, तो आप देख रहे हो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है और फोर यहां पर है, तो एक्स प्लस वन को आप टी भी मान सकते हो, क्योंकि सपोज करो कि एक्स प्लस वन डायरेक्ट आप नहीं इसे समझ पाते हो तो इसे टी मान लो, बाद में टी को कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप फार्मूले में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम टी ही सपोज करके करते हैं, लेट एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, तो डीएक्स ये डिफ्रेंशिएट कीजिए, डीएक्स इक्वल टू डी टी, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह से आप कन्वर्ट करना चाहें तो उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देयरफॉर वन अपॉन ये हो जाएगा टी, यानी कि पहले क्वेश्चन लिख लो आप, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर डी एक्स इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन यानी कि टी का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड डी टी, क्योंकि डी एक्स इक्वल टू डी टी है उसमें लगा दीजिए। अब जो है यहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला आप लगा दें यहाँ पर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है, यानी कि वन अपॉन टू ए, तो ए की जगह पर टू है तो टू इंटू टू हो गया, और लॉग, और यहां पर टी माइनस टू, टी माइनस टू अपॉन टी प्लस टू प्लस सी होगा, लास्ट में आप इंटीग्रल कॉन्स्टेंट रखेंगे रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट, यहां पर ये हो जाएगा वन बाई फोर लॉग टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन आप पुट कर दें, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू प्लस सी। अब यहां पर देखें वन अपॉन फोर ये होगा लॉग एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन, यहां पर भी ब्रैकेट रहा होगा, एक्स प्लस वन प्लस टू, अब इसे कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई फोर लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी, और यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह स्पेशल इंटीग्रल हो सकता है आसानी से। देखिए बहुत अधिक एफर्ट की आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो कि बिना माने डायरेक्ट इस चीज को लिखो और यहां से यहां तक आप कर सकते हो, अगर टी मानकर करोगे तो इतना स्टेप भी बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, आप इसको हाइड करके डायरेक्ट यहां से यहां आ जाओ तो भी वही चीज है। अगर आप जानते हो कि एक्स प्लस वन टी की तरह ट्रीट होगा या एक ही जो है नंबर की तरह ट्रीट होगा तो आप कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें, जो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री। यह इंटीग्रेशन दिया हुआ है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स, यह है। अब इसमें सोल्यूशन लेते हैं,
सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx ये लिख लिया। इसको फैक्टराइज करते हैं क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए सबसे अच्छा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x, यू कैन राइट 4 प्लस 1, आप लिख सकते हो 4 प्लस 1। आप यहां देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यह एक x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। हाउ, कैसे बनेगा ये देखते हैं हम। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 कैन बी रिटन एज 2x, 2x को लिखा जा सकता है 2 इंटू x इंटू 1 प्लस, और यहां पर 1 लिख लें और यहां पर 4, तो और आसानी होगी आपको क्योंकि ये 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 होगा, यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 यहां क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर dx ये हो जाएगा। तो इस तरह से x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये सेट हो जाएगा एंड देन इट विल बी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। dx 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx ये हो जाएगा। और यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो tan इनवर्स आप t मान कर भी कर सकते हो, हमने एक बार t मान कर इसे लगा दिया है, अब बार बार t मानने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो कि यह डायरेक्ट, अगर यहां x के आगे कोई कोफिशियंट होता तो यहां मानना अनिवार्य हो जाता, ठीक है, यह अनिवार्य रहता कि हमें t मानकर ही करना है, लेकिन आप जो है वैसे भी x प्लस 1 लिख सकते हो। तो tan इनवर्स, और tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन a भी होता है, तो 1 अपॉन a की जगह है 2, और tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 tan इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 प्लस c, ठीक, ये आंसर हो गया, ठीक। तो आप ऊपर वाला ही आंसर है वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, थोड़ा सा इसे अलग तरह से क्वेश्चन हम लेते हैं।